हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा नाम अजीत, हमारा आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक ग्रुप। तो आज बिहार पॉलिटेक्निक के तरफ से बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ चुका है, जिसका पत्र नंबर है 2303 और डेट है 26/8/2021। जो ये पत्र जो है हमारा जारी किया गया है डॉक्टर रमेश कुमार सिंह के द्वारा, ठीक है, जो परीक्षा हमारा नियंत्रण है उनके द्वारा ये पत्र, मतलब जो लेटर है उसे रिलीज किया गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट हो, महिला हो या फिर सरकारी यानी कि या फिर निजी यानी कि प्राइवेट कॉलेज हो, इन सभी तीनों के लिए ये नोटिस है, ठीक है। और इसमें लिखा गया है सबसे मेन चीज़, जिस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ही प्रयास कर रहे थे कि प्रमोट होगा या नहीं होगा, इसका भी कोई भी जो फिक्स नोटिस होता है वो नहीं दिया गया है। लेकिन इस नोटिस से लग रहा है कि प्रमोट की चांसेस जो है बहुत ही कम, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर जितने भी सिक्स सेमेस्टर तक के छात्र हैं जो फाइनल ईयर में हैं, सिर्फ फाइनल ईयर का छोड़कर यानी कि जो सिक्स सेमेस्टर में है यानी कि सिक्स सेमेस्टर में जो है वो सिर्फ उनको छोड़कर अन्य सभी के लिए ये लेटर है। फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सेशन जिनका है उनके लिए, जिनका बैकलॉग है फर्स्ट में या सेकेंड में उनके लिए है, जो थर्ड सेमेस्टर एली में है या फिर बैकलॉग है जिनको थर्ड सेमेस्टर एली में, जो फिफ्थ सेमेस्टर एली में बैकलॉग है, फिफ्थ सेमेस्टर एली में है या फिर जो ऑलरेडी फोर्थ सेमेस्टर में है या फिर जिनको बैकलॉग, सभी के लिए ये लेटर अवेलेबल है। देखिए बैकलॉग ऑल सिलेबस के लिए, ठीक है। और इसमें ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन भरने की जो लास्ट डेट है, जमा करने की डेट कब तक है, 6/9/2021 यानी कि अगस्त का ये 26 तारीख को लेटर आया है। और 26 से बहुत ही कम टाइम है, यानी कि मान लीजिए हम लोग के पास टोटल 15 डेज के आसपास, उससे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। उसमें ही बताया गया है आप लोग को कि कैसे कैसे हम लोग को लेटर भरना है और कैसे कैसे क्या करना है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो जितने भी छात्र हैं, फर्स्ट नंबर में देखिएगा उन पर लिखा हुआ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर जिनका बैकलॉग है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी किन्हीं का एग्जाम नहीं हुआ है, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं 19-22 सेशन या से ऊपर के, उनके लिए बैकलॉग का फॉर्म आया है, ठीक है। फिर से आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर एली, जो भी थर्ड सेमेस्टर एली में है यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर एली में है यहाँ वाले, इस लेटर में हम लोग बात करेंगे सेकेंड वाले में, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर एली वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए लेटर है, जो बैकलॉग है उनके लिए ये लेटर है। हर सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर के साथ साथ बैकलॉग, फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर के साथ साथ बैकलॉग, या फिर पीटीडी का जो भी स्टूडेंट है, जो भी हैं उन सभी के लिए लेटर किया गया। और इसमें लिखा हुआ साफ साफ लिखा गया हुआ है कि एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो हमारा 6 तारीख तक है, 6/9/2021 तक है। जो भी आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है और इसके लिए कितना चार्ज लिया जाएगा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन जो भी फॉर्म हम लोग को फिलअप करना है, डाउनलोड करना है, सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ऑनलाइन इंटर कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं कि आपको अपना फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, तो इसका उसका लिंक ना हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप जाकर हर चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर लीजिएगा कि कैसे कैसे वहाँ पर करना है फॉर्म, और कितना फ़ी लगेगा और कैसे जमा, कितना फ़ी लगेगा और कहाँ पर जमा कराना है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो शुल्क है, जो फ़ी है, वो एससी एसटी के लिए हम लोग को यहाँ पे 750 रुपया है, और जितने भी गर्ल्स हैं वो जिस कास्ट भी हो उसमें कोई रिलेटेड, उनके लिए भी 750 है। लेकिन जितने भी बॉयज़ हैं जनरल्स हैं या एससी एसटी को छोड़ के, उन सभी के लिए 1000 रुपया यहाँ पे लिया जाता है। ये फॉर्म हम लोग को ऑनलाइन प्राप्त होगा, जिसको हम लोग को ऑफलाइन जाके या फिर कॉलेज डिपेंड करता है कि ऑनलाइन निकालती है या ऑफलाइन सबमिट करवाती है, पैसा और साथ में रसीद और आपकी फॉर्म की कॉपी। फॉर्म में क्या क्या करना है, तो फॉर्म में आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे एक फॉर्म का प्रति आप निकाल लिए हैं, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं, ये आपका फॉर्म हुआ, यहाँ पे आपका एक ऑलरेडी छोटा सा यहाँ पे फ़ोटो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ये ऐसे। अब इसके बगल में क्या करना है, आपका ना जो सेम फ़ोटो जो दिए हुए कॉलेज में, उसी फ़ोटो को एक यहाँ पर चिपकाना है और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है, ठीक है, जहाँ पे लिखा है सिग्नेचर करके। और इसका हार्ड कॉपी कहती है संस्थान या सॉफ्ट कॉपी कहती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो लेटर है यहाँ पे देखिए पूरा चीज़ लिखा हुआ, 26/8/2021 को रिलीज किया गया है, जो हम लोग को अभी मिला है, जो लेटर रिलीज किया गया है जो अभी हम लोग को मिला है। और इससे जुड़ी बात अब होती है कि हम लोग का जो प्रमोट का क्या होगा,
तो प्रमोट का अभी फिलहाल कोई फिक्स नोटिस नहीं है, लेकिन जैसा लग रहा है कि फ़ी जो हम लोग का रखा गया है 750 और 1000 रुपया, ऐसा प्रमोट के कंडीशन में नहीं रखा जाता है। यहाँ से बहुत सारी ऐसी चांसेस जो बढ़ जाती है कि हम लोग का एग्ज़ाम प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ है जिनको लेकर हम लोग बोल सकते हैं कि हो सके तो कहीं ना कहीं इंटरनल हो, इंटरनल बात हो कि फ़ी पूरा लिया जाए और प्रमोट किया जाए, तो इसके ऊपर अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये जो न्यूज़ है बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, इस पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता अभी। SBT की ओर से बहुत बड़ा सस्पेंस यहाँ पर क्रिएट कर चुका है कि वो एग्ज़ाम लेगा या नहीं लेगा या प्रमोट करेगा, ये हम कुछ भी अभी नहीं बोल सकते हैं कि कैसे किया जाएगा। लेकिन लेटर आने से बहुत सारा ऐसा चीज़ है, बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो मन में उठने लगा है किस किस सेमेस्टर के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको लिखा हुआ है पूरा चीज़ कि इसका 3 भर्ती करना है, कैसे कैसे यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे इस लेटर का, जो लेटर अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो प्रमोट पे फिलहाल कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर कुछ कुछ बोलते रहते हैं, पर उस पर भी कुछ नहीं बोल सकते। मे भी उनका बात सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो अगर आप अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो कृपया फिर से पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो कृपया फिर से स्टडी को स्टार्ट कर दें, क्योंकि मे भी बहुत ही गलत हो सकता है कि डायरेक्ट एग्ज़ाम ले ले, हर सेमेस्टर को लिए बता रही हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा कोई अपडेट अगर हमको पता चलता है, अगर हम सर से बात भी करते हैं एक दो सर से, फिर आपको हम पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पे करते हैं। क्योंकि अब ऐसा साफ हो चुका है कि कोई भी SBT के जो सर हैं वो अपने अंदर का कोई भी सीक्रेट बाहर शेयर नहीं करेंगे। कोई भी हो, किसी भी चीज़ का सीक्रेट शेयर नहीं किया जाएगा, तो इसमें हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।